जावर विधानसभा दो क्षेत्रों में बटा हुआ एक शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में आपने सड़कों का विस्तारीकरण कराया और पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम बनाया और कई काम करवाया आपने, और आपके कई मकसद अभी भी उद्देश्य में है कि कॉलेज बनाना, पॉलिटेक्निक खुलवाना, ये सब उद्देश्य है। लेकिन अपने इस क्षेत्र को मंगला क्षेत्र में ले लें तो आपने देवता फीडर का भी एक महत्वपूर्ण काम करवाया, सूरागाटा फीडर भी एक परियोजना चल रही है। लेकिन इसके साथ ही अपन जोड़ के देखें तो टारगेट रावली अभ्यारण्य है, उसके निश्चित रूप से वो अपने इस विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या उद्देश्य है, क्या योजना है? देखिए साहब, जिस प्रकार शहर में हमने शहर का विकास के हिसाब से हमारा ब्यावर के अंदर एंट्री करते हैं, वहां से बाईपास जहां से कोई पुलिया के नीचे से निकलते हैं वहां से बस स्टैंड तक, ये 6 लाइन के अंदर मेरा एक गौरव पथ के रूप में बनाने का जो सपना था वो भी लगभग पूरा होने जा रहा है, बजट भी उसके लिए मिल गया पूरा। और जो पुलिया भी जो है हमेशा जाम लगता है, ब्यावर की जनता बहुत तकलीफ पाती है और गाड़ी घोड़े साधन बहुत ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से रोड बहुत पहले के बने हुए सकड़े रहते हैं, अब वो छोटे लगने लग गए हैं रोड, तो इसलिए वहां पर भी हमने प्रयास करके और उसको बड़ा एक 6 लाइन के रूप में पुलिया को भी विकसित किया है और गत 2 साल से वो चल रहा है, निश्चित बहुत जल्दी पूरा होने की संभावना है, अभी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, वहां भी किया है। जिस प्रकार आपने शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में भी बताया, जो एक 60 साल से ज्यादा लंबे समय से जो देवाता फील्ड की जो मांग थी, यहाँ के हर कास्ट का कई लोग स्वर्ग में गए लेकिन एक ही बात मन में लेके गए थे कि साहब कहाँ से देवाता फील्ड हमारी पूरी हो जाती, तो हमारे कुओं में पानी आ जाता, हमारी जमीन जो छोटे छोटे टुकड़ों में है उसमें हम कमा करके हमारी औलाद जो है आराम से अपना समय निकालती, ऐसा वो सपना मन में लेके गए थे। मैंने जिस दिन प्रधान बना था उसी दिन मैंने एक संकल्प लिया था कि इस देवाता पीठ के ऊपर भगवान अगर ऐसी कोई शक्ति दे तो हमेशा लोग इस नाम पर चुनाव जीतते हैं, और मैंने तो कभी इसका संकल्प भी नहीं लिया, कोई प्रकार का ऐसा जनता को विश्वास भी नहीं दिलाया, लेकिन मेरा एक मन में एक सोच थी मैंने लेकर के और उसको पूरा करने के लिए मैंने एक मन में एक ठानी और निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिली, आप सबकी कृपा से वो आज पूरी हुई है। और मैं ये भी बताऊं कि जैसे मैंने जल का भी कभी जनता को चुनाव जीतने के टाइम पर किसी प्रकार का मैंने ऐसा रोक नहीं दिया कि साहब मैं आ जाऊंगा तो निश्चित बिसरपुर का पानी लाऊंगा, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा, मैं आ जाऊंगा तो ब्यावर को जिला बनाऊंगा, इस नाम पर भी मैंने कभी वोट नहीं दिया। लेकिन जो मन की बात है वो सबके सामने शेयर जरूर करता हूँ, जिस प्रकार चुनाव जीतने के बाद में मैंने विधायक बनने के बाद में इस बात को छेड़ा है, विधायक बनने से पहले कभी भी मैंने जिले का नाम नहीं लिया, पानी का नाम नहीं लिया, ना देवता फिटर का नाम लिया, निश्चित तौर के ऊपर आपकी कृपा से इस देवता फील्ड को भी हमने पूरा करने का जो कार्य है अभी लिया है हाथ में वो कार्य पूरा हुआ है। साथ में इस प्रकार सूर्यघाटा फीडर ये भी काफी वर्षों से बनी हुई थी, उसको भी स्वीकृत करवा दिया, टेंडर हो चुके वो जल्दी वो कार्य शुरू होने वाला है। सारोड फीडर वो भी कार्य हुआ है। साथ में हमारे स्वर्गीय जो चिमन सिंह जी भाटी साहब थे वो इस पंचायत समिति जवाजा के पहले प्रधान थे, उन्होंने इस देवता फीडर के ऊपर जो कार्य करने का जो एक उनकी योजना थी बहुत बड़ी योजना थी, आज भी वो पानी बहुत ज्यादा है, अथा पानी है, वो हमने ये देवता जवाजा से आगे के फीडर तो बना दिया लेकिन वो पानी को हम आज भी नहीं लेकर आए हैं जो पानी आना चाहिए था, वो अभी भी उधर, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और उस पानी को जो स्वर्गीय भट्टी जी का जो योजना थी उस योजना को पूरी क्रियान्वित करने के लिए अभी तक वो पूरा पानी नहीं आ पा रहा है, सिर्फ 2 फुट की लाइन के अंदर जितना आ रहा है वो ही आ पा रहा है, उस पानी को भी हटाने के लिए निश्चित तौर के ऊपर मेरे प्रयास रहेंगे, मेरा एक सपना है, मैं उसको कभी भी पूरा कराऊंगा, चाहे किसी भी सूरत में हो मैं उसको पूरा कराऊंगा। एक हालिया क्षेत्र के लिए जो टारगेट उपखंड के लिए एक राजला बांध है, कोटा बांध और राजला बांध, ये 2 चीज वहां पर है, कोटा बांध तो वन विभाग में आ जाता है, राजला बांध वो किनारे पर है, उसको हम किसी भी सूरत में आगे अगर वो बन करके बड़ा बन जाए तो मेरे सोच के हिसाब से उस 7 ग्राम पंचायतों में कभी भी बिसरपुर का पानी पहुंचे तो भी ठीक है, नहीं पहुंचे
तो वो पंचायतें वहीं के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी, कभी भी उनको दूसरी जगह से पानी लाना नहीं पड़ेगा। इतना अथाह पानी और उसके भरने से जिस प्रकार की प्लानिंग हमने जो बनाई है, उस प्लानिंग पूरा पानी भरने के बाद किसी के खेत भी नहीं डूबेगा, किसी गांव की आबादी नहीं डूबेगी, ऐसी जगह है, इतना पानी वहां भरेगा। और वो पानी भरने के बाद पूरा का पूरा जो आज पानी पाली जिले में जा रहा है वो उसको बचत होकर के निश्चित तौर के ऊपर वो पानी वहां के लोगों के लिए आत्मनिर्भर कर सकता है। ऐसे मेरे ये एक सपना है, प्लानिंग है, उसको भी भगवान शक्ति देगा, पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ में विकास के मामले में जितना कार्य मैंने जो सोचा था उस समय में, हमारे गांवों की जो गरीबी देख करके मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में कांग्रेस ने जब जब भी चुनाव लड़ा है, जब जब भी उन्होंने कहा है कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उन्होंने गरीबी मिटाने का काम किया है। गरीब मिटते गए लेकिन गरीबी मिटी नहीं, जस की तस बरकरार बनी रही, वो अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकते रहे। मैंने उस दिन एक प्रण लिया था, मैंने कहा ये भगवान, मेरा पिताजी तो कभी वार्ड पंच भी नहीं बने थे और मुझे आज भगवान ने सरपंच बना दिया, प्रधान बना दिया, दो दो बार MLA बना दिया, अब मुझे क्या चाहिए था? हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दे आप, ऐसा कोई रूप दो हे मातेश्वरी, कि मैं जितनी भी जो जनता है उन सबका एक रूप में मैं नजर देख सकूं। ये मेरे मन में मैंने सोचा कि ब्यावर क्षेत्र की जो सिटी की माताएं बहने हैं, यहाँ पानी पीने का तो बिशनपुर का नल से ही आता है, और गांव की माताएं बहने डोला बाल्टी लेकर के और अपने कुएं पर जाएगी पानी सींच करके, और घड़ा मटोने के अंदर अपना सिर पे रख करके गांव 1 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर हो जा करके फिर अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए खाना बनाएगी पहुंचेगी, तो ये सब करते हैं। तो ये शहर के बोट में और ग्रामीण क्षेत्र के बोट में किस प्रकार का अंतर है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे से पूर्व सभी लोगों ने इस अंतर को बनाए रखने की कोशिश की है कि भगवान ऐसी शक्ति दे, मैं इस अंतर को कैसे मिटा सकूं, वो संकल्प मैंने लिया अपने आप में। आज पानी पहुंचा नहीं है सब जगह, लेकिन वो पानी पहुंचेगा, क्योंकि आज भी वो उस समय में हमने संकल्प लेकर के ब्यावर में, उस दिन में विपक्ष में था, कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित तौर के ऊपर जो धरने प्रदर्शन आमरण अनशन जो कुछ करना था हमने करके, और सरकार के सामने यहाँ से ब्यावर से महारथ यात्रा के रूप में जयपुर भी जाकर के, वह माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जो अशोक जी गहलोत थे, आज भी अशोक जी हैं, तो उस समय मैं वहां गया था, उन्होंने स्वयं ने वहां से मुझे कहा कि भाई आपके तो दो ही मांग हैं, ऐसी बातों को लेकर के। मैंने कहा साहब दो मांग कौन कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि साहब आपकी जल और जिला दो ही तो मांगे आपकी। मैंने कहा साहब भगवान आपका भी भला करे, कम से कम आज दोनों को स्वीकृत कर दो आप, तो वो कर नहीं पाए। उनका दो नहीं, मैं एक ही बात, एक बात बताओ। अब मैं आगे अधरपुर में फंसा, लोक के अंदर फंसा कि मैं जिला लूं या जल लूं। फिर मैंने अपने आप में फैसला किया, मैंने कुछ जल पहले ले लो, जिला बाद में। उस समय में जिला जल का काम हो गया, निश्चित तो 250 करोड़ की योजना जो चली आज भी चल रही है, और मैं ब्यावर की जनता का उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। धरना आमरण अनशन प्रदर्शन जितने भी जो हुआ, महापद यात्रा हजारों की तादाद में वहां लोग पहुंच करके मुझे जो सहयोग दिया है, मैं उनका बहुत ऋणी हूं। उसके कारण आज पूरा क्षेत्र के अंदर ये जो सब जगह पर जल का जो पहुंच रहा है, लाइने बिछ रही है, काम चल रहा है, टंकियां बन रही है, सब काम जल का हुआ है।